अब तो ना जैकेट बहुत अच्छे से ये वाली पूरी आ रही है पहले तो ना मैं थोड़ा फस्ती थी इसमें पूरी तो मुझे आ जाती थी बिकॉज मैंने एक ही साल पहले ली है ज़्यादा पुरानी है नहीं एंड दो साल से तो मैं हूँ ही वेट लॉस जर्नी पे तो आ तो जाती है बट अब अच्छे से आ रही है लाइक आई कैन रैप इट अब पूरी तरह से इतना ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा वाला इसको टाइट करके ऐसे अच्छे से बंद कर सकती हूँ सो डेफिनेटली इंचज़ तो कम हुए ही हैं पाँच इंचेस अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम वेस्ट मेरे दो साल के वेट लॉस जर्नी में कम हुए हैं बाय द वे जो लिपस्टिक मैंने आज लगाई हुई है ना दैट स्विस ब्यूटी प्योर मैट लिपस्टिक 203 जीरो थ्री हेजल नट वन टू वन एटी में आपको मिल जाएगी वेरी हाई क्वालिटी सॉफ्ट मैट टेक्सचर है बहुत ही प्यारा न्यूड शेड है uh, आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोर से मिल जाएगी आप व्हाट्सएप uh, पे मैसेज करके इसको बाई कर सकते हैं तो मैं लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी सी सच ए ब्यूटिफुल शेड न्यूट्रल सा न्यूड है विद लिटल बिट ऑफ ब्राउन अंडर टोन्स एंड पिंक अंडर टोन्स टू इट वेरी प्रिटी न्यूड वेरी वेरी फेयर टू मीडियम डस्की स्किन टोन्स तक आई थिंक ये सूटेबल रहेगा ऑल्सो गाइज मेरे पास बहुत सारे आजकल कमेंट्स आ रहे हैं कि हम आपके साथ में पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपनी डाइट्स के लिए तो जो लोग उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उसके डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और पिंड कमेंट में दे दूँगी तो आप चाहें तो पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं ठीक है बट हाँ मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट अभी नहीं हूँ मे बी आई परस्यू दैट एज अ करियर इन फ्यूचर बट uh, अभी के लिए आई एम नॉट दैट बट हाँ डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू इन योर जर्नी बिकॉज आई हैव बीन थ्रू अलॉट आई हैव ट्राइड सो मेनी डाइट्स एंड एवरी थिंग सो मैं डेफिनेटली हेल्प कर सकती हूँ एंड इन एनी केस टाइम एंड कंसल्टेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनली देना इज नॉट पॉसिबल सो वो पेड ही हो पाएगा अदरवाइज फ्री वीडियोज़ आर देयर ऑन माई चैनल आप उसको फॉलो करके भी पता ले सकते हो एंड बहुत सारे लोग हुए भी हैं आई गेट दोज कमेंट्स ऑल द टाइम कि दस किलो कम हुआ पंद्रह किलो कम हुआ आपकी डाइट वीडियोज़ देख के बीस किलो कम हुआ आपके डाइट वीडियोज़ फॉलो करके तो वो तो होता ही है लोगों का काम तो यू कैन डू दैट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एज़ वेल बट इफ़ इन केस कोई पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट करना चाहता है टाइम लेना चाहता है मुझसे तो वो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है वहाँ पे मैसेज कर सकता है या मेरे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं पेड कंसल्टेशन के लिए हाय एवरीवन वेरी वन वेलकम टू यूट्यूब चैनल लुक बाय वर्तिका आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हेल्दी चीट डे की डाइट अपनी शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने एक संडे को फॉलो करी थी तो ये एक ऐसी हेल्दी चीट मील वाली डाइट होगी जो आप वंस इन अ वीक कर सकते हैं ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या डिस्परेशन नहीं है वेट लॉस करने की कि आपको बहुत ही जल्दी जल्दी करना है इफ़ यू वॉन्ट टू टेक इट लाइक वेरी नेचुरली आराम आराम से मज़े मज़े में आपका वेट लॉस होता रहे एंड आप खाते पीते भी रहे सो आई एम गोना गिव यू वेरी वेरी हेल्दी ऑप्शंस जो थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे हमारे रेगुलर रोटी सब्जी दाल रोटी या फिर दाल चावल से बट एट द सेम टाइम वो टेस्टी भी होंगे एक्जैक्टली exactly उनको चीट मील भी नहीं कहा जा सकता बिकॉज दे आर हेल्थी इनफ एंड दे आर वेरी वेरी टेस्टी थोड़ा सा स्पाइसी एंड मसालेदार हो जाता है बस अदर दिन दैट द वेरी वेरी टेस्टी ऑप्शन तो एक्चुअली बहुत सारे होते हैं ऐसे ऑप्शन लाइक साउथ इंडिया में ना इतने सारे डिशेज़ आपको मिल जाएंगे जो कि एक्चुअली आपके लिए बहुत डिफरेंट हो जाते हैं प्लस साथ ही में वो बहुत टेस्टी भी होते हैं जैसे कि इडली सांबर है या फिर वी हैव गॉट डोसा बहुत हेल्दी चीज़ें हैं उत्तपम है एंड बहुत डिफरेंट और अच्छा भी लगता है खाने में स्पेशली हम नॉर्थ इंडियन लोगों को बिकॉज हमारे लिए एक तरीके से वो मतलब फ़ास्ट फूड हो जाता है बट वो एक्चुअली फ़ास्ट फूड नहीं है इट्स वेरी हेल्दी एंड जैसे पाव भाजी है ना मुंबई की उसको अब हेल्दी वे में अगर घर पर कुक कर लेते हैं तो दैट्स कौन अब बी वेरी वेरी डिलिशियस एज़ वेल एज़ हेल्दी मैं तो दुनिया की बेस्ट पाव भाजी बनाती हूँ <laughs> ऐसे ही कह रही हूँ एक्चुअली बट हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी दैट आई मेक वन ऑफ द बेस्ट पाव भाजीज़ तो वो रेसिपी का लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मुंबई स्टाइल वाली बनाती हूँ मुझे अगर अपने हाथ के बाद में या मेरी मम्मा को अगर मेरे हाथ के अलावा कहीं की पाव भाजी अच्छी लगती है तो दैट्स ओनली मुंबई की एक आती जगह की अदर देन दैट किसी की भी उतर टक्कर की हमें पर्सनली फील नहीं होते एंड इट्स वेरी बेसिक एंड सिंपल मुंबई स्टाइल पाव भाजी की रेसिपी तो आप लोग ट्राई करके जरूर देखना आपको भी अच्छी लगेगी प्लस यू कैन कुक इट इन अ वेरी हेल्दी मैनर एज वेल एंड अदर देन दैट हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं जैसे कि आप ड्योरम वीट सेमोलिना का पास्ता अगर लेते हैं तो आप उस पास्ता को वंस इन अ वीक खाते हैं अगर आप वाइट सॉस अपनी एक चम्मच आटे के साथ और गाय के दूध में बनाते हैं ना तो दैट्स ऑल्सो वेरी हेल्दी आप बाहर के मक्खन की जगह घर का गाय का मक्खन या फिर घर का गाय का घी या फिर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वाइट सॉस को बनाने के लिए तो वो भी हेल्दी वे में बन जाता है चीज़ खाना भी कोई ऐसा नुकसान नहीं करता तो इफ़ यू ईट रोटी पिज़्ज़ा ना दैट्स ऑल्सो वेरी हेल्दी या फिर आटा ब्रेड वाला पिज़्ज़ा आपने कभी खा लिया आटा ब्रेड का सैंडविच खा लिया सो देर आर लाइक टन्स एंड टन्स ऑफ ऑप्शन आपको पता है रोटी से भी चाउमिन बन जाती है यूट्यूब पर यू विल फाइंड द रेसिपी तो कभी चाउमिन खाने का मन है तो रोटी को के स्ट्रिप्स कट करके भी बन सकती है बट सॉसेस आर नॉट दैट हेल्दी तो सॉसेस को घर पर अगर आप बना सकते हैं किसी तरीके से तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा या कम सॉसेस का इस्तेमाल करें तो फिर आप उसे बना सकते हैं एंड वो रोटी वाली चाउमीन टेस्टी भी होती है आई हैव ट्राइड इट टू थ्री टाइम तो मुझे पर्सनली अच्छी भी लगी थी तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं पास्ता पिज़्ज़ा इस सब का तो आप मतलब हफ्ते में एक बार बना करके ऐसे खा ही सकते हो बट हाँ जो फ्राइड चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए अगर आपका वेट कम हो चुका है यू हैव रीच्ड योर डिज़ायर्ड वेट या फिर आपका अच्छा लंबा जर्नी है मेरी तरह दो एक साल का तो आप सब कुछ तो नहीं छोड़ेंगे फिर कभी आपने वंस इन अ मंथ अगर फ्राइड कुछ खा लिया जैसे समोसा है पकौड़ा है या कोई मिठाई है ऐसी फ्राइड वो चल जाता है बट नॉट मोर देन वंस इन अ मंथ हाँ फिर फ़्राइड चीज़ें मैं वंस इन अ मंथ से ज़्यादा नहीं रिकमेंड करती अब जैसे गाजर का हलवा है दैट इज समथिंग वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस आप उसको चीनी की जगह ना ब्राउन शुगर या फिर देसी खांड में बना लें सिंपल देसी घी गाजर का बनाएंगे अब तो वो आपके लिए हेल्दी है वो आपने वंस इन अ वीक खाया तो वो तो चीट मील की तरह मैं काउंट भी नहीं करूंगी दैट इज कंप्लीटली फाइन पेठे का हलवा आप खा सकते हैं आटे का हलवा खा सकते हैं सूजी का हलवा खा सकते हैं तो स्वीट डिशेस में भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन रहते हैं जो हम घर पर बना हुआ खा सकते हैं अगर हम घर पर बना करके कोई चीज़ खा रहे हैं हमें पता होता है

तो वंस इन अ वीक या फिर वंस इन टू वीक्स एक चीट मील खाया जा सकता है बट हेल्दी चीट मील खाएं आप महीने में तीन संडेज़ को या जो भी आप एक दिन सेलेक्ट करते हैं और एक संडे uh, को आप अनहेल्दी चीट मील खा लें अब बस चीट मील की क्वांटिटी का ध्यान रखें मैं गड़बड़ कर देती हूँ पर्सनली काफ़ी क्वांटिटी खा लेती हूँ तो चीट मील की क्वांटिटी हमें ज़्यादा नहीं खानी है इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है बेस्ट टाइम क्या है चीट मील को खाने का सुबह नाश्ते में या तो आप खा सकते हैं आधा नाश्ता अपना हेल्दी वाला कर लीजिए रोज़ाना वाला फिर बाकी का जो आधा होता है ना हेल्दी वाला आ, की जगह पर वहाँ पर आप अनहेल्दी वाला नाश्ता कर लें तो उससे क्या होगा आप क्वान्टिटी अपने आप कम खाएंगे आपका पेट भी भर जाएगा न्यूट्रिशन भी आपको आपके हेल्दी नाश्ते से मिल जाएगा या फिर आप इवनिंग में फ़ोर टू सिक्स के बीच में इवनिंग स्नैक में अपना अनहेल्दी वाला चीट मील जो है वो खा सकते हैं सनसेट के बाद में चीट मील ना खाएँ स्वीट डिश तो बिल्कुल भी ना खाएं तो ये चीज़ अब मैं आपको बोलूँगी अगर आप अच्छे से अपनी वेट लॉस जर्नी पे रहना चाहते हैं तो और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर पालन करें तो चलिए मैं अब आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मेरा ये वाला संडे चीट मील डे कैसा रहा और मैंने क्या क्या खाया है सिक्स दिसंबर फिफ्टी नाइन पॉइंट ज़ीरो के जी सो so, सुबह उठ करके मैंने टू टू फाइव मिनट्स के लिए ओम चांटिंग करी एंड डेफिनेटली सबसे पहले तो एक ग्लास पानी पिया विद पॉजिटिव एनर्जीज एंड एक स्मॉल साइज़ का अब मैं बनाना खा रही हूँ तो शुरुआत हम रखेंगे बहुत ही हेल्दी मैनर में और बिल्कुल सिंपल बेसिक सी देन देना ब्रेकफास्ट टाइम ब्रेकफास्ट में मैं बस एक एग का ऑमलेट खा रही हूँ बिकॉज अच्छी अच्छी चीज़ें और भी आज मैं खाऊंगी तो मैं टू एग्स का ऑमलेट नहीं खा रही हूँ ताकि मेरा पेट ज़्यादा ना भरे देन uh, दो घंटे के बाद आई एम हैविंग माई मिड मॉर्निंग स्नैक जिसमें मैं पाइनएप्पल खा रही हूँ कोई भी लोकल सीजनल फ्रूट खा सकते हैं अभी तक भी सब कुछ हेल्दी चल रहा है एंड एक्चुअली पूरा दिन हेल्दी चलेगा बस हेल्दी uh, तरीके से चीट मील को खाया जाएगा या फिर कुछ टेस्टी एंड डिफरेंट खाया जाएगा यूजल डेज से देन दो घंटे के बाद आई एम हैविंग माई लंच लंच में मैं पाव भाजी खा रही हूँ बट हाँ पाव की जगह मैं आटा ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये मेरा हेल्दी चीट वर्जन हो जाएगा एंड भाजी तो डेफिनेटली हद से ज़्यादा हेल्दी मैनर में कुक की गई है इसको हम चीट मील बोल भी नहीं सकते बस थोड़ा सा बटर ज़्यादा डल जाता है मैंने पतंजलि का काउस बटर यूज़ किया है यहाँ पर घर का बना गाय का मक्खन भी कर सकते हैं यूज़ दैट्स डेफिनेटली मोर हेल्दी बट ठीक है बहुत हेल्दी मैनर में बनाती हूँ मैं भाजी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी बहुत टेस्टी भी बनाती हूँ मैं मुंबई स्टाइल वाली तो वो ज़रूर चेक करना बहुत टेस्टी वाला चीट मील है चीटिंग भी नहीं हो रही एक तरह से क्योंकि घर पर बनाया बिल्कुल हेल्दी मैनर में तो हफ्ते में एक दिन तो डेफिनेटली खा सकते हैं बट हाँ थोड़ा सा ये है कि बटर चला जाता है तो मैंने इसमें बटर ऐड किया तो आज मेरा संडे स्पेशल हेल्दी चीट मील लंच है ये देन अब दो घंटे के बाद मेरा आफ्टरनून स्नैक में फिर मैं मिठाई खा रही हूँ एक लड्डू तो अब अगर आप अपनी मिठाई का चीट मील कभी खाते हैं तो एक तो हेल्दी वाला खाना चाहिए जैसे तो फ्राइड तो खाना नहीं चाहिए बट कभी चलो मन कर जाता है तो आपको क्या करना है ना कि अपने लंच के इमीडिएटली बात नहीं खाना है ना ही डिनर के बाद ना ही अपने ब्रेकफास्ट के साथ में आपको उसे एज अ मेन मील एक टाइम पर एज लाइक मिड मील एक टाइम पर खा लेना है चाहे वो आपका मिड आफ्टरनून स्नैक हो चाहे इवनिंग स्नैक हो चाहे वो मिड मॉर्निंग हो तो इस तरीके से खाना ताकि एक ही टाइम पर बहुत ज्यादा हेवी ना हो जाए अब दो घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं प्रॉपर अपना हेल्दी वाला ही कुछ खाऊंगी एंड ज्यादा नहीं खाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी तीन चार मैंने आटा ब्रेड खा लिया विच इज डे टू मच तो अब मैं एक स्कूप प्रोटीन वे प्रोटीन पी रही हूँ ऑन का वे प्रोटीन है प्रॉपर उसका जो रिव्यू है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी तो वाटर में मिक्स करके मैं इसको पी रही हूँ एंड इसके थर्टी मिनट्स के बाद में ना मैं ट्वेंटी थर्टी मिनट्स के लिए थोड़ा सा वर्कआउट भी करूँगी या योगा करूंगी अपनी इवनिंग स्नैक के दो ढाई घंटे के बाद में लगभग आठ साढ़े आठ बजे आई एम हैविंग माय डिनर नाउ एंड डिनर में अब यहाँ पर इसको हम चीट मील तो डेफिनेटली नहीं बोल सकते इट्स वेरी हेल्दी बट हाँ डेफिनेटली आज कुछ ये डिफरेंट है तो दाल और चावल को फर्मेंट करके उसकी इडली बनाई हुई है और साथ में सांभर है सो so, ये संडे का हमारा परफेक्ट डिनर हो जाएगा यहाँ पर एंड इट्स परफेक्ट ब्रेकफास्ट आइटम और लंच आइटम और डिनर आइटम फॉर श्योर sure, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है सांभर में इतनी सारी वेजिटेबल्स होती हैं अरर अर की दाल होती है कोकोनट ऑयल कड़ी पत्ता आ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत अच्छे मसाले एडेड होते हैं और दाल चावल फोर्मेंटेड फूड तो पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा थायराइड के लिए बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ के लिए यंग स्किन रखने के लिए हेल्थ कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है एंड साथ में आप नारियल चटनी भी श्योर खा सकते हैं उसमें भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं दो घंटे के बाद सोने से एक घंटा पहले हल्दी वाला दूध पी रही हूँ साथ में टेन सीड्स आलिव सीड्स के हलीम सीड्स के खाऊंगी जो आठ घंटे से सोख करके रखे हुए हैं सो गाइज दिस इज़ फॉर टू डेज वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप भी मेरी तरह वेट लॉस जर्नी पर हैं और बहुत बड़े वाले फूडी हैं मेरी तरह एंड अच्छा अच्छा खाना खाए बिना रह नहीं सकते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट खाने का आपको शौक है लेकिन आपको आपकी वेट की भी फिक्र है हेल्थ की भी फिक्र है सो डेफिनेटली यू कैन फॉलो Uh, इस तरीके का uh, चीट मील डे समाइम्स लाइक वॉन्स इन अ वी और वान्स इन टू वीक्स आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई सी ये इन माई नेक्स्ट वीडियो चिलदेन टेक केयर लुक आट जिसलि हेल्दी